अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी पैनकेक्स की। और ये पैनकेक्स बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। आप चाहें तो उनको लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी। मेरे बच्चे मोस्टली ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स लेते हैं और उन्हें बहुत पसंद है, या फिर लंच में ले जाते हैं। तो चलें रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 अंडे और उसमें मैंने डाल दी थी चीनी। चीनी मैंने डाली थी 3 टेबल स्पूंस और 4 टेबलस्पून मैंने डाला था मैदा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी मोस्टली आटा ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मैदा यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उससे शेप थोड़ी अच्छी आती है। हाँ, बट अगर आपने हेल्दी साइड पे जाना है तो फिर ऑफ कोर्स आटा डालें आप, या हाफ हाफ क्वान्टिटी दोनों की भी ले सकते हैं। तो खैर, मैंने इसमें ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था। आप चाहें तो फॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैंने बीटर यूज़ किया था। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। और ये साथ साथ मैं अपना भी नाश्ता बना रही थी। अपने लिए मैंने सिंपल ऑमलेट बनाया था और मीरा इस टाइम मेरे साथ किचन में थी और हम दोनों बातें कर रहे थे। और ये मेरे पैनकेक्स हो चुके हैं रेडी। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, आप उनके लिए ज़रूर बनाएं, नाश्ते में बना लें, लंच बॉक्स के लिए बना दें। ये उनकी ऑल टाइम फेवरेट मील है ये उनका, तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे ये मेरे पास कैरेमल सिरप था, वो भी मैंने ऊपर डाल दिया था, आप चाहें तो हनी डाल दें। और ये साथ में मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम कॉफ़ी शेक बनाया था। कोल्ड कॉफ़ी से नहीं कह सकते क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल चेंज था, बट एनीवेज बच्चों को ये बहुत ही पसंद है बिकॉज इसमें आइसक्रीम जाती है, कॉफ़ी जाती है, मिल्क और शुगर इन चीज़ों से बनता है ये, और बच्चों को आपको पता है ये चीज़ें पसंद है। तो ये मैंने वो नाश्ता बनाया था जो बच्चों को ज़बरदस्ती मुझे नहीं कराना पड़ा, शौक से उन्होंने किया था। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये आइडिया पसंद आया होगा। नाश्ता बच्चों का जो होता है उसके लिए अक्सर मदर्स जो है ना वो परेशान रहती हैं कि क्या बनाएं। मैं ख़ुद भी कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो इस तरह की रेसिपीज़ देखती रहती हूँ मैं भी। तो बस इस तरह से मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया, बच्चों ने अपना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा व्लॉग। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।